Hello friends, welcome to our channel Competitive Exam Mantra. Friends, today I am going to discuss about the comet NEOWISE, which is in the news headlines these days. It was discovered by NASA in March this year itself. और NEOWISE को इंडिया में जुलाई 14 यानी कि कल से 20 डेज के लिए देखा जा सकेगा. Friends, this is a beautiful picture of the comet shared by the NASA's astronaut. Now let's first discuss what is a comet. Comets basically डस्टी स्नोबॉल जैसे होते हैं विच ऑर्बिट जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं. और ये किस मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन वगैरह डस्ट के साथ मिक्स हुए होती हैं. और ये जो मटेरियल है वो तभी आया था जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था. कॉमेट्स के अंदर एक आईसी सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. आप लोग पिक्चर में से देख सकते हो, दिस इज न्यूक्लियस. Is a solid icy heart of the comet inside the cloud of coma, and this is the coma is the cloud of comet dust particles surrounding the nucleus. और ये coma के अंदर क्या होता है, gases and dust होती है इसमें, जिसने कि nucleus को surround किया होता है. और ये coma create कैसे होता है, जब जो ये nucleus है ये sun के पास जाता है तो heat warm up होने लगता है और ये vaporize हो जाता है और इसमें से गैस और डस्ट बाहर को आ जाती है और ये सराउंड कर लेती है इस न्यूक्लियस को. कॉमेट की दो टेल हो सकती है, दो टेल डेवलप कर सकता है जब वो सन के पास ट्रेवल करता है. पिक्चर में ये दो टेल नजर आ रही है, दिस इज ब्लू वन एंड दिस इज व्हाइट डस्ट टेल एंड द आयरन टेल. कॉमेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है. एक्चुअल में इनकी लाइट कैसे दिखती है, दिस इज एक्चुअल द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट. सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वही हमें दिखाई देती है कि वो कॉमेट की ही लाइट है. सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट द कॉमेट्स एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स सी व्हाट इज NEOWISE. द कॉमेट वाज डिस्कवर्ड बाय नासास नियर अर्थ ऑब्जेक्ट व्हाइट फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और इसे निकनेम दिया गया है NEOWISE. ये नासा के टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया गया है. इसकी डिस्कवरी के बाद इसका नाम NEOWISE एंड C2020F3 भी रखा गया. सो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको ये नेम भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसको लर्न करना है. ऑन जुलाई 3 को कॉमेट वॉज क्लोजेस्ट टू द सन, 43 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था एंड देन ये मर्करी के ऑर्बिट में चला गया. NEOWISE जो है वो अभी स्पेस में मूव कर रहा है और जो उसकी डिस्टेंस है दैट इज 200 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और जुलाई 22 को ये अर्थ के सबसे पास दिखाई देगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली 103 मिलियन किलोमीटर. इंडिया में NEOWISE को जुलाई 14 से देखा जा सकेगा. अकॉर्डिंग टू ऑडिशस पठानी समंता प्लेनेटेरियम, हम इस कॉमेट को 20 मिनट्स के लिए देख पाएंगे एवरी डे. कितने डेज के लिए, 20 डेज के लिए. नासा के अकॉर्डिंग ये कॉमेट जो है वो 5 किलोमीटर वाइड है और इसका जो न्यूक्लियस है वो डार्क पार्टिकल से कवर हुआ हुआ है. और ये डार्क पार्टिकल्स भी तभी बने होंगे जबकि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही होगी. अभी तो ये कॉमेट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बात करें कि नेक्स्ट टाइम ये हमें कब दिखाई देगा, तो ये विजिबल होगा फ्रॉम द अर्थ आफ्टर अराउंड 6000 ईयर्स लेटर. मीन्स 6000 साल के बाद हमें ये फिर से देखने को मिलेगा. एक्चुअल में ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स है तो काफी ईयर्स के बाद देखने को मिलता है. ऑल्सो देयर आर शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स. इसके अलावा शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स भी होते हैं जो 200 ईयर्स से कम का टाइम लेते हैं सन के अराउंड मूव करने के लिए और ज्यादातर ये कूपर बेल्ट में मिलते हैं. और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, दिस इज अ हेलेस कॉमेट जो कि एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है और वो रीअपेयर होता है एवरी 76 ईयर बाद वो हमें फिर से दिखाई देता है. और अगर हम देखें हेले कॉमेट हमें कब दिखाई देगा, 2062 में. एक और एग्जाम्पल है इसी की, एट इज कॉमेट 9P या फिर टेम्पल 1 भी बोलते हैं. इसके न्यूक्लियस की इसके इंटीरियर कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए नासा ने एक स्पेस मिशन शुरू किया था जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट. सो दीज बोथ एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट. चलिए अगेन हम फिर से NEOWISE भी आ जाते हैं. NEOWISE को बहुत सारे लोग अराउंड द वर्ल्ड जैसे कि इन द कंट्रीज लेबनन में, इसराइल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस में इसको देख चुके हैं. और ये कॉमेट जो है वो फेड अवे होना शुरू हो जाएगा अगस्त में जाके. मीन्स हमें इसके बाद ये दिखाई नहीं देगा. अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डू एस्ट्रोनॉमर स्टडी एंड ट्रैक कॉमेट्स. एस्ट्रोनॉमर्स को क्या जरूरत है इसको स्टडी करने की, तो एस्ट्रोनॉमर इसकी स्टडी इसलिए करते हैं बिकॉज ये उसी टाइम पे फॉर्म हुए थे जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था.
तो इसलिए हमें सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में भी कुछ क्लूज मिल सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है द कॉमेट्स ब्रॉट वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने साथ, इनके पास ये भी हो सकते हैं जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ सस्टेन करने के लिए अर्थ के ऊपर। इसके अलावा नासा का न्यो ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। न्यो कहाँ से लिया गया है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, उनको क्या करना है, ट्रैक करना है। तो इस मिशन के अंडर कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स को स्टडी किया जाता है और जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी होती है। इसकी स्टडी से एक ये भी फायदा होगा बिकॉज ये जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पोटेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं अर्थ के लिए। तो अगर हम इनकी स्टडी पहले से कर लेते हैं तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स कॉमेट्स की स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द यूपीएससी प्री 2011। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल। सेकेंड ऑप्शन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स while comets are found mostly between Venus and Mercury. Third one is comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. Which of the statements given above are correct? आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी statement correct है। आपको option दी हुई है 1 and 2, 1 and 3, 3 only, 1, 2 and 3. Friends, comets को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। काइंडली आप एस्ट्रॉइड्स को थोड़ा सा पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ यूपीएससी प्री 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाज नासास डीप इंपैक्ट स्पेस मिशन वाज इम्प्लॉयड टू टेक डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ विच कॉमेट्स न्यूक्लियस। सो आपको अलग अलग ऑप्शन हुई है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। हम कल अपने नए वीडियो में इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने से आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, ये वीडियो अब यहीं पे स्टॉप होती है। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।